आजमगढ़ जिले के फूलपुर कस्बा में रविवार को एक दुर्गा प्रतिमा के साथ चल रहे डीजे लोगों पर गिर गया। हादसे में एक किशोर व तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सरायमीर क्षेत्र में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा रविवार को विसर्जन के लिए जा रही थी। प्रतिमा के आगे आगे डीजे चल रहा था, जिस पर किशोरों व युवाओं की टोली डांस कर रही थी। फूलपुर कस्बा में डीजे वाहन पहुंचा तो एक ब्रेकर पर झटका लगने से डीजे वाहन से गिर गया। डांस कर रहे एक किशोर व तीन युवक दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। डीजे के नीचे दबे आकाश 21 वर्षीय, 16 वर्षीय अंकुर, 20 वर्षीय संदीप और 18 वर्षीय प्रियांशु को निकाला गया और स्थानीय अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। चारों घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वही घटना के बाद रास्ता जाम हो गया, जिसे पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दूसरे मार्ग से जुड़ूसू कस्बे से बाहर निकलवाकर प्रतिमाओं का विसर्जन करवाया। फूलपुर थाना के अंतर्गत दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जो जुलूस चल रहा था उसमें डीजे जो चल रहा था उसमें बड़ा डीजे होने की वजह से और गाड़ी के द्वारा गलत तरीके से उसका परिचालन करने की वजह से डीजे गिर गया था, जिससे जुलूस में चल रहे चार लोग या उससे ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इसमें अभी वो पंजीकृत किया गया है डीजे मालिक और वाहन चालक अमरचंद गौतम के खिलाफ और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सूचित की जा रही है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।